So let's get started with the topic. In last lecture, we have discussed about PHP, right? So aaj hum kuch aur topics karenge PHP ke. Ye sara content humne last lecture ke andar cover kara tha. So aaj ka jo first topic hai hamara, that is PHP is a loosely typed language. PHP is a loosely typed language. इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा बेटा पिछली examples के अंदर कि जो PHP है उसके अंदर हम लोग जो डेटा टाइप है डेटा टाइप लिखने से पहले उसकी टाइप को डिफाइन नहीं कर रहे थे. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे x और y के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करी है 5 और 4, राइट. इससे पिछली वाली एग्जाम्पल के अंदर मैंने txt है जो उसके अंदर वैल्यू डाली हुई है agc. But I haven't declared or I haven't defined the data type here, right? I hope you understand the concept. यहाँ पे जो मेरा AGC है वो क्या है, string है, लेकिन मैंने txt से पहले string word नहीं लिखा है. Similarly यहाँ पे 5 और 4 जो है वो मेरे integer values हैं, integer numbers हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको int नहीं लिखा है, ना ही मैंने उनको नंबर लिखा है. तो इसका मतलब क्या है कि इन द अबव एग्जांपल्स नोटिस दैट वी डिड नॉट हैव टू टेल पीएचपी व्हिच डेटा टाइप द वेरिएबल इज, राइट. पीएचपी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द वेरिएबल टू द करेक्ट डेटा टाइप डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि पीएचपी के वेरिएबल के अंदर आप जोन सी भी वैल्यू को स्टोर करोगे वो ऑटोमेटिकली वो वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी टाइप को डिफाइन कर देता है. हमें टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना इंट लिखूंगा, ना स्ट्रिंग लिखूंगा, ना फ्लोट लिखूंगा. मीन्स मेरे को कोई भी डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली पीएचपी जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है. ठीक है, जबकि हमारी जो सी थी या सी प्लस प्लस थी या जावा थी, दी प्रोग्रामर मस्ट डिक्लेयर द टाइप नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट. आप लोगों ने देखा होगा सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर जावा के अंदर आप लोग इंट वर्ड यूज करते थे, आप लोग फ्लोट वर्ड यूज करते थे, आप लोग स्ट्रिंग वर्ड यूज करते थे. ठीक है, जबकि वो चीजें की हमें पीएचपी के अंदर जरूरत नहीं है. ठीक है, दैट इज वाई वी कैन से दैट पी एच पी इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज. नेक्स्ट वी हैव कंडीशनल स्टेटमेंट्स. कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस. ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपने लगानी है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस उनके ऊपर परफॉर्म करेंगे. ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस हैं, ये हम लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ठीक है, सो पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे. वेरी ऑफन व्हेन यू राइट कोड यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस फॉर डिफरेंट कंडीशन. You can use conditional statements in your code to do this. आप लोगों ने ये C या C++ के अंदर या Java के अंदर भी पहले भी पढ़ी होंगी. तो हमारे पास एक simple conditional statement होती है, if statement. If statement क्या करती है? It executes some code if one condition is true. ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ single जो है स्टेटमेंट ही लिखी जाती है, और अगर वो वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका जो कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. एम आई क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इफ एल्स स्टेटमेंट. इसके अंदर क्या होता है, वी हैव सम स्टेटमेंट, वी हैव सम कंडीशंस रिटन इन इफ. If that particular condition is true, the statements written under if
it will be executed. If the condition written in if is false, then another code will be executed which have been written in else statement. ठीक है, तो यहाँ पे एक if statement होती है और एक else statement होती है if else के केस के अंदर. अगर तो आपकी if के अंदर लिखी जो condition true है तो उसके अंदर जो statement लिखी होगी अगर एक होगी तो that will be executed upon the condition is true. अगर वो वाली कंडीशन फॉल्स है जो हमने इफ के अंदर लिखी हुई है तो जो एल्स वाला पार्ट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. अभी इसको मैं लेटर ऑन आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स भी बताता हूँ. ये समझ आ गया बेटा सबको? यस सर. यस सर. यस सर. चलिए नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, इफ या फिर एल्स इफ या एल्स स्टेटमेंट. अब यहाँ पे तीन चीजें आ गई हैं. तो जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस आ जाती हैं, दो तीन चार या पांच स्टेटमेंट पांच कंडीशंस आ जाती हैं, तो तब हम क्या लिखेंगे? इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूट करेंगे. नेक्स्ट हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है स्विच स्टेटमेंट. तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? इट सिलेक्ट्स वन ऑफ द मेनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. स्विच के अंदर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं लेकिन एट ए टाइम जिसकी कंडीशन ट्रू होगी वो सिंगल ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, नॉट ऑल द ब्लॉक्स विल बी एग्जीक्यूटेड. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. पहली एग्जांपल है, फर्स्ट हमारे पास सिंटैक्स आ जाता है पीएचपी के अंदर इफ स्टेटमेंट का. द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स सम कोड इफ वन कंडीशन इज ट्रू. तो इसका सिंटैक्स क्या है यहाँ पे? इफ पैरेंथेसिस के अंदर आप लोग कंडीशन लिखोगे, it can be any condition depending on the circumstances, then the statements which will be executed that have been written under if, right? So code to be executed if the condition is true. So yahan pe jo bhi statements likhi hongi wo execute ho jayegi agar aapki condition jo maine yahan if ke andar likhi hai wo true hai. Clear hai beta? तो नीचे एक एग्जांपल दी हुई है. द एग्जांपल ब्लो विल आउटपुट हैव अ गुड डे इफ द करंट टाइम आर इज लेस देन 20. तो ये जो एग्जांपल मैंने नीचे लिखी हुई है तो वो मेरे को क्या करेगी? गुड डे विश करेगी अगर मेरा जो आर है उसकी वैल्यू 20 से लेस है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपको पीएचपी का कोड लिखना है तो यू हैव टू राइट लेफ्ट एंगुलर ब्रेसेस देन क्वेश्चन मार्क साइन देन पीएचपी इज अ कीवर्ड. उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने क्या लिखा है? डॉलर साइन टी वेरिएबल डिक्लेयर करा है, टी इज अ वेरिएबल और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया है? डेट एच मीन्स डेट इज अ फंक्शन और उसका एच स्टोर करवाया है मींस के आवर स्टोर करवाए हैं किसके अंदर? टी के अंदर. समझ आ गया बेटा फर्स्ट लाइन क्या कहती है? यहां पे मैंने क्या करा है दोबारा बताने लगा हूं, टी एक वेरिएबल है. वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए हम डॉलर साइन यूज करते हैं. सो डॉलर टी मैंने लिखा इज इक्वल्स टू, उसके बाद मैंने क्या लिखा? डेट. डेट एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ और डेट का मैं एच पार्ट, एच मीन्स आवर, आवर यूज कर रहा हूँ. और उसके बाद मैंने क्या करा है? कंडीशन इफ के अंदर कंडीशन लिखी है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट डॉलर टी इज लेस देन 20 देन इट विल एग्जीक्यूट इको स्टेटमेंट. तो इको मैंने आपको लास्ट टाइम के अंदर भी बताया था कि इको जो होती है जो भी इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा होगा इट विल शो यू एज अ आउटपुट. ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू 20 से लेस है, आवर की वैल्यू 20 से लेस है, तो
तो ये आपको मैसेज प्रिंट आउट कर देगा, वो मैसेज क्या होगा, हैव अ गुड डे। ये एग्जांपल समझ आ गई सबको? बेटा आई वांट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम योर साइड। यस सर। यस सर। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो बताइए। डाउट नहीं है सर। आगे चले। यस यस सर। सो दिस इज अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी हैव द इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर कोड इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो चीजें आ गई हैं। इफ के अंदर एक ही कंडीशन थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, इफ के अंदर आप लोग फॉल्स के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर आप सिंपल इफ कंडीशन यूज कर रहे हो तो अगर आपकी वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती थी तब वो कहीं पर भी नहीं जाता था। तो इसका हमने जो लिमिटेशन थी वो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर रिजोल्व करी। हमने क्या करा, else स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो else स्टेटमेंट के अंदर क्या है, अगर तो आपकी बेटा इफ कंडीशन ट्रू है तो वो वाली इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन अगर वो वाली कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स पार्ट के अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो वाली एग्जीक्यूट करी जाएंगी इसके अंदर। ठीक है जी, तो सेम एग्जांपल है लेकिन अब हमने उसका एल्स पार्ट ऐड कर दिया। ठीक है, सो ये एग्जांपल क्या करेगी, अगर तो आपके जो आवर हैं वो 20 से लेस है तो वो आपको विश करेगा हैव अ गुड डे। ठीक है, अगर 8 बजे, 20 होता है 8, अगर 8 PM से वो वैल्यू कम है तो वो आपको विश करेगा हैव अ गुड डे। अगर वो वाली वैल्यू आपकी 8 PM से ज्यादा है तो इट विल शो यू हैव अ गुड नाइट। 8 बजे के बाद आपकी गुड नाइट होनी शुरू हो जाती है, राइट? तो सेम प्रोग्राम बट विद ओनली वन चेंज, दैट चेंज इज एल्स पार्ट। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन मार्क PHP $T, सेम वेरिएबल मैंने यूज करा है और वेरिएबल के अंदर मैंने डेट फंक्शन स्टोर करवाया है। डेट का मैंने कैपिटल एच यूज करा है, एच के अंदर क्या स्टोर हो रहे हैं, आवर्स। तो अगेन यहाँ पे वो इफ के अंदर कंडीशन चेक कर रहा है, $T इज लेस देन डबल कोट्स के अंदर 20, अगर ये वाली वैल्यू आपकी 20 से छोटी है तो वो आपको आउटपुट दे देगा हैव अ गुड डे। अगर ये वाली वैल्यू आपकी 20 से छोटी नहीं है, 20 से बड़ी है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 23, तो अब 23 इज ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे वो आपको मैसेज दे देगा हैव अ गुड नाइट। नेक्स्ट, तो थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट इज द इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपकी इफ वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा है तो उनके लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी इफ के अंदर लिखी जाएगी, यहाँ पे इफ फॉलोड बाय फर्स्ट कंडीशन देन द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, विच विल बी एग्जीक्यूटेड इफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। एल्स इफ के अंदर सेकेंड कंडीशन लिखी जाएगी, अगर आपके पास तीसरी कंडीशन है तो यहाँ पे आप लोग एल्स इफ एक और लगा लोगे। अगर आपके पास इन सभी कंडीशन की फॉल्स के ऊपर कुछ चले तो वो आपका एल्स पार्ट के अंदर लिखा जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। तो इसकी एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे है मेरे पास द एग्जांपल बिलो विल आउटपुट हैव अ गुड मॉर्निंग इफ द करंट टाइम इज लेस देन 10। ठीक है, अगर 10 बजे से आपका टाइम कम है तो वो आपको गुड मॉर्निंग विश करेगा। ठीक है, अगर 20 से लेस देन है तो वो आपको गुड डे विश करेगा।
ठीक है, अगर 20 से ज्यादा टाइम है तो वो आपको गुड नाइट विश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपकी जो कंडीशंस हैं वो दो से ज्यादा आ चुकी हैं। हियर यू हैव मोर देन टू कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगेन मैंने यहाँ पे भी वो सेम वेरिएबल लिया है टी, जिसके अंदर मैंने डेट फंक्शन स्टोर करवाया है। डेट इज अ इनबिल्ट फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन का हमने आवर यूज करा है, दैट इज एच। ठीक है, सो इफ डॉलर टी इज लेस देन 10 इट विल इको यू हैव अ गुड मॉर्निंग, एल्स इफ डॉलर टी इज लेस देन 20 इट विल इको यू हैव अ गुड डे। एल्स अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी फॉल्स हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यू है वो 20 से बड़ी है। ठीक है, यहाँ 20 है या 20 से बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे हमने else if के अंदर equal to नहीं डाला है, हमने यहाँ पे less than का साइन लिखा है। तो अगर आपकी वैल्यू या तो 20 के बराबर हो जाएगी या आपकी वैल्यू 20 से बड़ी हो जाएगी, तो तब आपका क्या चलेगा, echo चलेगा और उसके अंदर आपका मैसेज आ जाएगा have a good night, right? नेक्स्ट आ जाता है लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, जो के है आपकी द पीएचपी स्विच स्टेटमेंट। तो बेटा स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, इट यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ द मेनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है, स्विच स्विच के अंदर कुछ नंबर आपको पास करना पड़ता है। ठीक है, स्विच ब्रैकेट के अंदर n एज अ ऑप्शन, देन वी हैव केस लेबल्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मल्टीपल केसेस लिख सकते हो, जैसे C या C++ के अंदर आपकी स्विच चलती थी वैसे यहाँ पे भी वो सेम एग्जीक्यूशन करेगी। ठीक है, तो अगर आपका ये इन केसेस के अंदर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपकी जो डिफॉल्ट के अंदर कोड लिखा होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, फेवरेट कलर। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल आपको एग्जीक्यूट भी कर दिखाऊंगा जैम्प सर्वर के अंदर। तो पहले इसको समझ लीजिए और उसके बाद हम इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे करी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले HTML का पार्ट आ गया आपका हैश, अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉक टाइप HTML, then we have HTML, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, फिर बॉडी पार्ट आ गया, फिर आपका PHP का कोड स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क PHP, उसके बाद बेटा FAV कलर, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है जिसके अंदर बेटा वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी है रेड, दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, तो फेवरेट कलर की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू डिक्लेयर करवा दी है यहाँ पे रेड। तो स्विच के अंदर हमने क्या डाल दिया है, फेवरेट कलर, जो आपने ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू डाली थी वेरिएबल के अंदर वो फेव कलर का जो वेरिएबल था दैट विल बी पास्ड इनटू स्विच। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा केसेस बना लिए। केस वन के अंदर मैंने बता दिया है कि अगर आपका रेड केस है तो वहां पे वो इको कर देगा योर फेवरेट कलर इज रेड और उसको वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, अगर आपका कलर जो है वो रेड नहीं है, वो कलर आपका ब्लू है, तो वो आपका सेकंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और वहां पे मैसेज आपको इको कर देगा योर फेवरेट कलर इज ब्लू एंड ब्रेक कर देगा। यहाँ पे बेटा एक बात याद रखनी है, ब्रेक लिखना बहुत जरूरी है इन केस ऑफ इको, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका केस ग्रीन। अगर आपका कलर ग्रीन है तो वो आपको क्या देगा, योर फेवरेट कलर इज ग्रीन और वहां पे ब्रेक कर देगा। अगर आपका कलर ना तो रेड है ना तो ब्लू है ना ही वो ग्रीन है तो वो डिफॉल्ट मैसेज यहाँ पे लिख देगा योर फेवरेट कलर इज नीदर रेड कोमा ब्लू नोर ग्रीन। ठीक है जी, ये प्रोग्राम समझ आ गया बेटा, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं। यस यस Yes, तो यहाँ पे मैं पहले आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ।
नई स्क्रीन हम शेयर करते हैं सबसे पहले। ये स्क्रीन विजिबल हो गई आपको सी ड्राइव? यस सर। ठीक है, ये डेस्कटॉप के ऊपर आपको ये एक्स नाम का आइकन दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है और आपका जो जैम्प हमने जो लास्ट लैब के अंदर इंस्टॉल करा था उसको हम लोग चलाएंगे। ठीक है, तो एजेक्स को या फिर पीएचपी को चलाने के लिए हमें एक जैम्प सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो जैम्प सर्वर का बेटा बेनिफिट क्या है, आपको अलग से पीएचपी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ना ही उसके लिए आपको कोई सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी अपाचे वाली सर्विस को हमने स्टार्ट कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे वो पोर्ट्स के ऊपर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और यहाँ पे वो स्टॉप लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या है कि मेरी अपाचे वाली जो सर्विस है ये नीचे आप लोग देख सर, सकते हो वो रनिंग मोड के अंदर आ चुकी है। ये क्लियर हो गया सबको सर? हाँ जी, वो बोलिए सर। शो नहीं हो रहा कि मतलब जो आप कर रहे हो सर, शो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर। नो सर, नो सर, तो सिर्फ माय कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही है। एक मिनट बेटा, अब क्या शो हुआ आपको? तो सी ड्राइव, हेलो, ये सी ड्राइव शो हो गई बेटा आपको? यस सर। यस सर। सी के अंदर ये फोल्डर दिख रहे हैं जो बने हुए हैं? यस सर। बेटा ये फोल्डर आपको दिख रहे हैं? यस सर। अब सबसे पहले यहां से आपको क्या करना है, जैम को स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और ये आपका ओपन अब दिख रहा है आपको, जैम का कंट्रोल पैनल ओपन हुआ, ये खुला? नो सर, नहीं दिख रहा अभी भी। सर आई थिंक वो विंडो शेयर करनी पड़ेगी जहाँ पे खोले। यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ये सर्वर के अंदर मैंने ZAMP underscore start लिखा हुआ है। Yes sir। ये दिख रहा है? Yes sir। Yes sir। यहाँ पे आपको double click करना है और आपका ZAMP जो है वहाँ पे open हो जाएगा उसका control panel, और उसके बाद आपको ZAMP को on करना है। ठीक है, ZAMP को on करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, HT docs के अंदर जाना है। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करा, अब आगे फर्दर फोल्डर शो हो गए आपके पास? यस सर। ये फोल्डर दिख रहे हैं, एचडी डॉक्स नाम का जब फोल्डर ओपन हुआ तो आगे दिख रहा है क्या हो रहा है? यस सर, फोल्डर्स ओपन। उसके बाद आपको क्या करना है, पीएचपी के नाम का एक फोल्डर बनाना है और उसके अंदर मैंने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, देख सकते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ये ओपन करने जा रहा हूं, ये मोज़िला वाली स्क्रीन शो हो गई सबको? नो सर। ये मोज़िला ब्राउजर वाली स्क्रीन शो नहीं हुई? नो सर। नो सर। अब देखो हो गई? यस सर। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लोकल होस्ट स्लैश नेम ऑफ द फोल्डर जिसको आप चलाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने वहां पे
PHP को चलाना चाहता था तो यहाँ पे आपका वो PHP वाला ओपन अप हो गया है, ठीक है। PHP के अंदर जितने भी आपके प्रोग्राम्स होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे स्विच वाला प्रोग्राम चलाना चाहता था तो यहाँ पे वो स्विच वाला प्रोग्राम कौन सा था, 3 नंबर के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर फेवरेट कलर इज रेड, ठीक है। आपको करना क्या है, दोबारा से ये लिख लीजिए, जोट डाउन कर लीजिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले ZAMP को ऑन करना है, ZAMP की अपाचे वाली सर्विस को ऑन करना है। उसके बाद बेटा आपको htdocs के अंदर जाना है। htdocs के अंदर जाने के बाद आपको एक, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये देखिए ये फोल्डर के अंदर जाना है, PHP वाले फोल्डर के अंदर जाकर आपको एक फाइल बनानी है और उस फाइल को आपको सेव करना है .php के साथ, ठीक है। ये sw जो फाइल आप देख सकते हो इसके अंदर बेटा मैंने कोड रखा है, ये वाला कोड स्टोर करवाया था, विजिबल है आपको कोड सर? नॉट विजिबल सर। अब देखो, नो सर। अब दिख क्या रहा है आपको, सर? फाइल तो दिख रही है, PHP कोई नहीं है। एक मिनट होल्ड करो जरा, मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ जी बेटा, अब आपको स्क्रीन विजिबल हो गई जिसके अंदर टोटल 7 फाइल्स हैं, ये दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो फेवरेट कलर वाला प्रोग्राम थे ना वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये विजिबल है सबको?
सर कोड इज स्टिल नॉट विजिबल कोड इज नॉट स्टिल विजिबल यस सर ये नोटपैड वाली फाइल आपको विजिबल नहीं है नो सर क्यों विजिबल नहीं है बेटा मैंने यहां पे स्क्रीन शेयर करी है सर फाइल्स विजिबल है फाइल्स के अंदर कंटेंट नहीं विजिबल है ये विजिबल हो गया आपके पास यस सर अब आप क्या देख पा रहे हो ये बताओ पहले मेरे को सर फाइल्स विजिबल हां जी फाइल्स इन पीएसपी फाइल होल्डर ये फाइल्स विजिबल नहीं है टोटल आपके पास जो आ रहा है एचडी डॉक्स का मैंने फोल्डर ओपन अप किया हुआ है ये आप लोग नहीं देख पा रहे हो सर विजिबल है बट नोटपैड नहीं विजिबल है अब जब मैंने डबल क्लिक करा ये नोटपैड के ऊपर अब ये नहीं हुआ विजिबल नो सर नो सर एक मिनट रुको जरा अब देखो हो गया अब यस सर राइट तो आपने क्या करा ये जो फाइल है आपकी ये नोटपैड के अंदर ओपन करी ठीक है वो सेम कोड आपने क्या करना है अपने नोटपैड के अंदर लिख लेना है ठीक है बेटा अब इसको लिखने के बाद आपको सेव करना है सेव एज डॉट पीएचपी एक्सटेंशन रखनी है ठीक है तो यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ इसका एस डब्ल्यू आई डॉट पी एच पी ठीक है ये विजिबल है ना जो हो रहा है यस सर और वहां पे आपको इसको ऑल फाइल्स के साथ सेव करना है कैसे सेव करना है ऑल फाइल्स के साथ इसको सेव कर लेना है और जब मैं सेव के ऊपर प्रेस करूंगा तो देखते हैं क्या होता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ये देखिए ये एस डब्ल्यू आई नाम की फाइल बन गई यस सर ये विजिबल है यस सर अब इसको चलाना कैसे है यू हैव टू ओपन अप योर ब्राउजर आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे ब्राउजर दिख रहा है सबको ये बेटा दिख रहा है मोजिला मैंने ओपन किया यस सर और यहां पे आपको क्या लिखना है लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी आपका जो फोल्डर का नाम है वो लिखकर एंटर प्रेस करोगे द मोमेंट यू प्रेस एंटर पीएचपी के अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी हमने कौन सी फाइल चलानी है जो हमने क्रिएट करी थी वो कौन सी फाइल थी एस डब्ल्यू आई डॉट पीएचपी यही बनाई थी ना हमने इसको क्लिक करा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उस प्रोग्राम की आउटपुट वो शो कर रहा है योर फेवरेट कलर इज रेड यही आउटपुट चाहिए थी हमें यस सर क्लियर हो गया सबको के नहीं यस सर ठीक है तो पीएचपी के प्रोग्राम्स आपको हमेशा सर्वर के ऊपर चलाने हैं और सर्वर के अंदर जाकर आपको जैम फोल्डर के अंदर जाना है जैम के अंदर जाकर एच टी डॉक्स नाम का फोल्डर होता है उसके अंदर आपको एक पीएचपी नाम का फोल्डर बनाना है और वहां पे आपके जो पीएचपी के प्रोग्राम है वो डॉट पीएचपी फाइल के साथ सेव होंगे ठीक है और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है मोजिला या कोई भी अपना ब्राउजर ओपन अप कर सकते हो उसके बाद ओपन अप करने के ऊपर वहां पे आपको एड्रेस बार के ऊपर लिखना है लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी नेम ऑफ योर फोल्डर वेयर ऑल द पीएचपी प्रोग्राम्स हैव स्टोर्ड ठीक है तो इस तरीके से आप लोग पीएचपी फाइल्स की एग्जीक्यूशन कर सकते हो एम आई क्लियर अबाउट प्रोग्राम यस सर आगे चलें यस सर सबको क्लियर हो गया यस सर चलिए
तो ये वापस आते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर। बेटा टॉपिक्स शुरू करने से पहले हम लोग एक पोल कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए पोल सबको विजिबल हो गई? पोल विजिबल हो गई सबको? यस सर। चलिए आपके पास 3 मिनट्स हैं इन दो क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, तो क्वेश्चन रीड आउट करिए बड़े ध्यान से और इसको आंसर कीजिए। Hurry up students, answer fast. I'm going to end the poll. So first question था हमारा, PHP is loosely typed language. तो इसका मतलब जो है, इसकी जो correct option है, that is third one, कि PHP automatically converts the variable to the correct data type depending on its value. तो 32 students का ये वाला answer ठीक है. Next question था, switch statement is used to select one of the many blocks of code to be executed. ठीक है, single ही block को execute करता है, multiple को execute नहीं करता है. तो यहाँ पे 35 students का answer correct हुआ है. तो result दिखा रहा हूँ आप लोगों को. So you can see the results.
मेरे को समझ नहीं आता बेटा, जो आपको 5 या 10 मिनट पहले चीज करवाई हो उसके अंदर भी आप आंसर करने में गलती क्यों करते हो? या तो आपका ध्यान नहीं है क्लास लगाने में, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव गिवन रॉन्ग आंसर्स। So let's proceed to next topic. So PHP loops. So looping का concept start करते हैं, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि लूप का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करा जाता है। जब हम चाहते हैं कि मेरी कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तो उन स्टेटमेंट्स को हम क्या करते हैं, लूप के अंदर लिख लेते हैं। मैं ये नहीं करता हूं कि वो वाली जो स्टेटमेंट है वो 10 टाइम लिखूं, ठीक है। सो उस स्टेटमेंट को मैं एक दफा ही लिखूंगा, लेकिन उसको किसके अंदर लिखूंगा, लूप के अंदर, ठीक है। So often when you write code, you want the same block of code to run over and over again in a row. Instead of adding several almost equal code lines in a script, we can use loops to perform a task like this. ठीक है, अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है, हेलो हाय हाउ आर यू, अगर ये वाली स्टेटमेंट मैंने 100 times एग्जीक्यूट करनी है, तो क्या ये मैं स्टेटमेंट 100 times लिखूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, एक लूप लूंगा और ये वाली जो स्टेटमेंट है उसके अंदर लगा दूंगा, और लूप के अंदर एक कंडीशन लिख दूंगा कि मेरी अगर कंडीशन 100 times ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट 100 times एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो PHP लूप्स हैं वहां पे मेरे पास कुछ फॉलोइंग लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करी जाएंगी। द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाइल लूप, देन वी हैव डू व्हाइल लूप, देन वी हैव फोर लूप्स, देन वी हैव फोर ईच लूप, दिस वन इज द न्यूएस्ट, ठीक है। व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट, डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट और फोर लूप का कॉन्सेप्ट बेटा आपने सी और सी प्लस प्लस के अंदर भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक नई लूप आई है जिसका नाम है फोर ईच, तो अभी इसको लेटर ऑन सेक्शन के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास व्हाइल लूप आ जाती है। व्हाइल लूप करती क्या है, इट लूप थ्रू ब्लॉक ऑफ कोड as long as the specified condition is true, ठीक है। तो while जो है आपकी तब तक चलती जाएगी जितनी देर तक आपकी जो conditions हैं वो true है, ठीक है, while के अंदर जो लिखी हुई है। So यहाँ पे क्या है, while bracket के अंदर आ जाएगा condition और उसके अंदर जो statement लिखी होगी वो चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक example दी हुई है, मैंने एक काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू स्टोर करवाई है 0, ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन करवाई हुई है 0, और व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखी है जब तक काउंट की वैल्यू 3 से छोटी है उतनी देर तक यह चीज चलती जाएगी, ठीक है। आप प्रिंट करोगे हेलो PHP और काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, मीन्स काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो सिंगल स्टेटमेंट है आप उसको ऐसे भी लिख सकते। हेलो बेटा आवाज आ रही है? यस सर। आई एम ऑडिबल? यस सर। स्क्रीन विजिबल है सबको? नो सर। नो सर। एक मिनट रुकना जरा।
अभी विजिबल हो गई बेटा स्क्रीन? यस सर। यस सर। यहाँ पे ना इंटरनेट का इशू चल रहा है, इसलिए आपकी स्क्रीन बार बार बंद हो रही है। बिकॉज आई एम टेकिंग योर क्लास ऑन होट सपोर्ट, तो उसकी वजह से स्पीड में इशू हो रहा है थोड़ा सा ना। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाइल लूप कैसे चलती हैं। तो व्हाइल के अंदर बेटा जो सी भी कंडीशन लिखी होगी, तो यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है मैंने, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है जीरो, और व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखी हुई है काउंट इज लेस देन थ्री। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है आपकी, प्रिंट हेलो पी एच पी। तो ये आपका प्रिंट हेलो पी एच पी कितनी दफा करेगा, जितनी देर तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, मतलब के 0, 1, 2 के लिए चलेगा, ये 3 बार हेलो एट पी एच पी प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रिंट हेलो पी एच पी, और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है काउंट प्लस इक्वल टू 1। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, आप ये भी लिख सकते थे, या फिर आप काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते हो। मीन्स अ सिंगल स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन 3 वेज, ठीक है। तो काउंट की पहले वैल्यू आई 0, 0 आपका 3 से छोटा है, तो उसने प्रिंट क्या कर दिया, हेलो पी एच पी, ठीक है। ये प्रिंट करने के बाद काउंट की वैल्यू क्या हो गई, काउंट प्लस 1, मतलब के काउंट की वैल्यू हो गई 1, अगेन 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, तो अगेन आपका दूसरी बार भी क्या आ गया, हेलो पी एच पी। उसके बाद फिर काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन 3, द कंडीशन इज ट्रू, अगेन एक दफा और आपका हेलो पी एच पी आ जाएगा। अब काउंट की वैल्यू हो गई 3, 3 इज लेस देन 3, मीन्स कंडीशन इज फॉल्स। द मोमेंट कंडीशन इज फॉल्स, तो वाइल से वो बाहर निकल आएगा, और चौथी दफा आपका हेलो पी एच पी लिखा हुआ नहीं आया, ठीक है। ये क्लियर हो गई एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल क्लियर हो गई सबको? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। तो ये कुछ डेट के डिस्प्ले है कि आप लोग डेट को कैसे देख सकते हो, yyyy/m/d, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ठीक है। कैपिटल एम लिख सकते हो जैन के लिए, अगर आप एफ लिखोगे तो जनवरी पूरा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। स्मॉल एम है 0, 0, 1 के लिए, एन लिखते हो तो 1 खाली यूज होगा, ठीक है। सिमिलरली डे ऑफ मंथ के लिए आप डी लिख सकते हो, डे ऑफ मंथ के लिए आप लोग जे भी लिख सकते हो, मीन्स अगर आपने डी लिखा है तो वो 0, 1, 0, 2, 0, 3 के फॉर्मेट के अंदर आएगा, अगर आपने जे लिखा है तो वो खाली 1, 2, 3, 4 के फॉर्मेट में आएगा। सिमिलरली अगर आपने आई लिखा हुआ है तो वो मंडे ट्यूसडे कंप्लीट डिस्प्ले करेगा, अगर आपने डी लिखा हुआ है तो फर्स्ट 3 करेक्टर्स उठाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डू व्हाइल लूप। तो आपको पता है कि जो आपकी व्हाइल है, व्हाइल के अंदर इमीडिएटली व्हाइल के बाद आपकी कंडीशन आ जाती थी, लेकिन जो डू व्हाइल का सिंटैक्स था, वो डू व्हाइल का सिंटैक्स के अंदर हम लोग क्या करते थे कि डू पहले लिखते थे, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स आती थी, उसके बाद आपकी व्हाइल कंडीशन लिखी जाती थी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डू व्हाइल के अंदर बेटा आपका जो स्टेटमेंट्स है वो एक दफा तो एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, राइट, और दूसरी बार अगर वो रिपीट होंगी तो उसके लिए आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप तो देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया है और एक्स के अंदर मैंने 1 स्टोर करवाया है, ठीक है, और डू के अंदर मैंने करा हुआ है इको द नंबर इज, और एक्स प्लस प्लस करा हुआ है, और व्हाइल कंडीशन लगाई हुई है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि जितनी देर तक एक्स की वैल्यू 1, 5
से छोटी या 5 के बराबर नहीं हो जाती है, ये लूप आपकी उतनी देर तक चलती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाली लूप आपकी 5 दफा चलेगी, छठी बार ये लूप आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। So notice that in a do while loop, the condition is tested after executing the statements within the loop. तो आपने देखा होगा कि आपकी जो do while loop है उसके पास आपकी जो condition है वो बाद में check हो रही है, पहले check नहीं हो रही है। ठीक है, this means that the do while loop would execute its statements at least once, even if the condition is false the first time. ठीक है, तो देखिए यहां पे अब आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स है, इवन दो वो एक बार आपकी आंसर आपको जरूर देगी। तो यहां पे जो आपकी आउटपुट है आप लोग देख सकते हो, बिकॉज एक्स के अंदर 6 है, एक्स के अंदर मैंने वैल्यू क्या स्टोर करवाई हुई है 6, तो डू के अंदर गया इको द नंबर इज एक्स, तो यहां पे एक्स प्लस प्लस हुआ, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस 1 दैट इज 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, इवन दो वो आपको जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या करवाएगा, द नंबर इज 6। समझ आ गया? बेटा ये चीज समझ आई आपको? यस सर। हेलो, यस सर। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है द पीएचपी फॉर लूप। तो यहां पे जो सिंटैक्स है, तो यहां पे पहली बात तो ये है कि जो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है वो तब लगाया जाता है जब आपको पता है कि मेरी जो लूप है वो कितनी दफा चलनी है। ठीक है, तो यहां पे इन इट इज अ कीवर्ड, देन वी हैव काउंटर, उसके बाद सेमी कोलन लगता है, देन टेस्ट काउंटर एंड इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, तो फोर लूप के अंदर 3 पैरामीटर पास करे जाते हैं। फर्स्ट पैरामीटर के अंदर होता है आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, उसके बाद आपकी कंडीशन आ जाती है, उसके बाद आपकी री इनिशियलाइजेशन होती है, मींस काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर आपके पास रहेंगे 3। पहला पैरामीटर आपको क्या बताता है, इनिशियलाइज द लूप काउंटर वैल्यू। नेक्स्ट टेस्ट काउंटर के अंदर आपकी क्या आ जाती है, इवेलुएटेड फॉर ईच लूप आइट्रेशन, इफ इट इवेलुएट्स टू ट्रू द लूप कंटिन्यूज, इफ द इवेलुएट्स टू फॉल्स द लूप एंड्स। ठीक है, मींस के जो आपकी जो कंडीशन आप लिखते हो वो उसका सेकेंड पैरामीटर है, और उसके बाद क्या होता है, इंक्रीजेस द लूप काउंटर वैल्यू। ठीक है, री इनिशियलाइजेशन जिसको बोला जाता है, थर्ड पार्ट। तो एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, द एग्जांपल बिलो डिस्प्लेज द नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैंने एक्स की वैल्यू इनिशियलाइजेशन करी हुई है 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे वो इको करेगा द नंबर इज 0, पहला नंबर आ गया, उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या हो गई प्लस प्लस, मीन एक्स की वैल्यू 1 हो गई, सो अगेन 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लूप है वो 0 से लेकर 10 तक चलेगी। ठीक है, तो जब आपकी वैल्यू 11 हो गई, ये जो है लूप आपकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। समझ आ गया?
फॉर लूप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट वी हैव द पीएचपी फॉर ईच लूप। ये नया कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने सी और सी प्लस प्लस के अंदर भी नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। सो सबसे पहली बात, द फॉर ईच लूप जो है इट वर्क्स ओनली ऑन एरेज, ये एरेज के ऊपर काम करती है। एंड दूसरी बात, इट इज यूज्ड टू लूप थ्रू ईच की वैल्यू पेयर इन एन एरे, ठीक है। ये की वैल्यू पेयर के ऊपर काम करती है, ये याद रखना। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले फॉर ईच एज सच लिखा जाएगा, उसके बाद एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करा जाएगा एज वैल्यू, उसके साथ एक वैल्यू यूज करी जाएगी। मैंने आपको बोला है ना की वैल्यू पेयर, तो आपको फॉर ईच के अंदर वो की वैल्यू पेयर लिखना पड़ता है। तो ये इसका सिंटैक्स है। और उसके बाद आ जाता है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। फॉर एवरी लूप आइट्रेशन द वैल्यू ऑफ द करंट एरे एलिमेंट इज असाइंड टू वैल्यू एंड द एरे पॉइंटर इज मूव्ड बाय वन अनटिल इट रीचेस द लास्ट एरे एलिमेंट, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू है करंट एरे के एलिमेंट की वैल्यू है वो यहाँ पे ऊपर एज अ वैल्यू साइन करनी होती है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे बेटा मैंने कलर्स नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर एक एरे स्टोर करवाया है और एरे के अंदर चार वैल्यूज हैं, रेड ग्रीन ब्लू येलो, ठीक है। तो ये इसको यूज कैसे कर रहा है, रेड ग्रीन ब्लू येलो, ये कितनी वैल्यूज हैं, टोटल फोर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चलेंगी कैसे, फॉर ईच कलर्स जो आपका यहाँ पे वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाया है एरे की फॉर्म के अंदर, उसको लेगा एज वैल्यूज, ये उतनी बार चलेगा जितनी उसके अंदर एरे के अंदर वैल्यूज हैं। तो ये चार बार एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे लिखा है ना, एवरी लूप आइटेशन द वैल्यू ऑफ द करंट एरे एलिमेंट इज असाइंड टू वैल्यू। तो यहाँ पे करंट एरे एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, एक दो तीन चार, वो फोर वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवा लेता है, समझ आ गया। वो फोर जो है वो इसके अंदर इसने स्टोर करवा ली और उसके बाद उसको कंपेयर करता जाता है। तो पहली वैल्यू क्या थी, कलर एज वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है, रेड। तो उसने इको क्या कर दिया, रेड, पहली वैल्यू उठाई यहां से रेड, तो रेड नीचे डिस्प्ले हो गया। फिर दूसरी वैल्यू उठाएगा ग्रीन, ग्रीन डिस्प्ले हो गया। तीसरी वैल्यू उठाएगा ब्लू, ब्लू डिस्प्ले हो गया। एंड चौथी वैल्यू उठाएगा ब्लू येलो, और आपका येलो वहां पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। एंड द एरे पॉइंटर इज मूव्ड बाय वन अंटिल इट रीचेस द लास्ट एरे एलिमेंट, ठीक है। इतनी देर तक वो लास्ट वैल्यू के ऊपर नहीं पहुंच सकता है, वो वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है ऑटोमेटिकली। एम आई क्लियर अबाउट फॉर ईच लूप? बेटा फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो शुरू से बताऊं? नो सर, अंडरस्टूड। हाँ जी, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। रिपीट करूं क्या, समझ आ गया? नो सर। सर आगे समझ आ गया? आ गया सर समझ। चलो वेरी गुड, चलिए इसके बाद ये वाली प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। वन मोर पोल इज वेटिंग फॉर यू। तो सेकंड पोल का आंसर कीजिए। पोल शो हो गई सबको बेटा? पोल विजिबल हो गई? यस सर। आंसर कीजिए फटाफट, तीन मिनट हैं आपके पास।
So hurry up, last 15 seconds. So thank you very much. So यहाँ पे आपका first question था for each loop works. तो almost out of 41 votes, 34 students का ये answer बिल्कुल ठीक है कि जो आपकी for each loop है वो for first पे पहली बात तो ये है कि वो arrays के लिए काम करती है और दूसरी बात यह है उस एरे के अंदर वो की वैल्यू पेयर होता है. सेकंड क्वेश्चन जो था विच इज करेक्ट फॉर पीएचपी फंक्शंस, तो यहां पे जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है. अ फंक्शन नेम कैन स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर. तो रिजल्ट दिखा रहा हूं. चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव पीएचपी यूजर डिफाइंड फंक्शंस. पीपीटी विजिबल है सबको? Yes, sir. So next we have PHP user defined functions. So मेरी आवाज और PPT visible है ना सबको? Yes sir. चलिए. So the real power of PHP comes from its functions. ठीक है? So it has more than 1000 built-in functions. जो PHP है उसके पास approximately 1000 से ज़्यादा built-in functions हैं.
So besides the built-in PHP functions, we can create our own functions. So 1000 जो built-in functions हैं उनके अलावा हम लोग अपने user defined function भी बना सकते हैं. तो function का काम क्या होता है? A function is a block of statements that can be used repeatedly in a program. ठीक है? तो जो functions हैं वो कुछ ऐसा block होता है statements का जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर रिपीटेडली यूज करना चाहते हैं. सो अ फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट इमीडिएटली व्हेन अ पेज लोड्स. अ फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन. तो ये याद रखना कि जो आपका फंक्शन है वो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता है द मोमेंट योर पेज लोड्स. जबकि हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है. कैसे? By its calling, हमें उस function को call करना पड़ता है program के अंदर. ठीक है? So, how to create a user-defined function in PHP? आप लोग अपना खुद का function कैसे create कर सकते हो? A user-defined function declaration starts with the word function. तो यही आप बेटा याद रखना. यहाँ पे ये जो function है वो एक कीवर्ड है. उसके बाद यू हैव टू गिव द नेम ऑफ योर फंक्शन. ठीक है? फंक्शन इज अ कीवर्ड देन नेम ऑफ द फंक्शन, दैट इज फंक्शन नेम. वो कुछ भी हो सकता है. सो उसके बाद आ जाता है कोड टू बी एग्जीक्यूट. जो आप चाहते हो, जो सी आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो, वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे. ठीक है? अ फंक्शन नेम कैन स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर बट इट इज नॉट बिगिन विद नंबर. ये याद रखना कि जो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा वो हमेशा या फिर एक लेटर से स्टार्ट हो सकता है या एक अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, लेकिन वो किसी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता है. ठीक है? सो एक टिप है आप लोगों के लिए, गिव द फंक्शन अ नेम दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द फंक्शन डज. कि आप जो भी अपना प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर फंक्शन का नाम कुछ इस तरीके से रखें सो दैट कि आपको पता चले कि वो फंक्शन कर क्या रहा है. फॉर एग्जांपल, मैं दो नंबर का सम फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मैंने फंक्शन का नाम क्या रख दिया? SUM. ठीक है? तो मेरे को फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो सम की कैलकुलेशन कर रहा है. ठीक है? तो फंक्शन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव. जो फंक्शन के नाम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है. इसका मतलब क्या है? आप लोग उसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, आप लोग उसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, आप लोग उसको मिक्सचर में भी लिख सकते हो. सो फंक्शन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव. नेक्स्ट. सो ये आपके सामने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है. इस प्रोग्राम के अंदर मैंने बेटा क्या करा हुआ है, एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने फंक्शन का नाम लिखा हुआ है राइट MSG. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो राइट स्मॉल में है, एम कैपिटल है और एस जी अगेन स्मॉल में है. इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के जो नाम है वो केस सेंसिटिव नहीं है. मैं उसको जैसे मर्जी लिख सकता हूँ. तो फंक्शन इज अ कीवर्ड फॉलोड बाय नेम ऑफ द फंक्शन. तो मैंने आपको ये भी बताया था, टिप दी थी कि आप कोशिश करें कि फंक्शन का नाम कुछ ऐसा रखें जो आपको बताए कि मेरा फंक्शन कर क्या रहा है. तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, एक मैसेज राइट कर रहा है और वो मैसेज क्या है, हेलो वर्ल्ड. ठीक है जी? तो पीएचपी के अंदर बेटा मैंने लिखा यहाँ पे इको हेलो वर्ल्ड. और फंक्शन के बाद आपने उसको फंक्शन बनाने के बाद मैंने फंक्शन को कॉल करा है. फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? यू जस्ट नीड टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन ओनली. ठीक है? फॉलोड बाय सेमी कोलन. तो इसको बोला जाता है कॉलिंग. तो जैसे आप सी या सी प्लस प्लस के अंदर कॉलिंग करते थे फंक्शंस की, उसी तरीके से हम लोग कॉलिंग करेंगे फंक्शंस की अपने पीएचपी के अंदर भी. आई होप दिस सिंपल प्रोग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस सर. आसान है यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने?
क्योंकि आप लोगों ने बेटा अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उस प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों को पीएचपी यूज करनी है, और अगर पीएचपी यूज करोगे तो फंक्शंस आपको बनाने ही बनाने हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू इन दोज सेक्शंस। सो नेक्स्ट आ जाता है कि फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स कैसे पास करे जाते हैं, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड टू फंक्शंस थ्रू आर्गुमेंट्स, एंड आर्गुमेंट इज जस्ट लाइक वेरिएबल। जो आपका आर्गुमेंट होता है इट इज जस्ट लाइक वेरिएबल्स। सो आर्गुमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो जो आपके आर्गुमेंट्स है, जैसे यहाँ पे राइट मैसेज एक फंक्शन लिखा था, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो भी लिखोगे ब्रैकेट के अंदर वो आपके आर्गुमेंट ट्रीट करे जाते हैं। सो यू कैन एड एज मैनी आर्गुमेंट्स यू वॉन्ट, जस्ट सेपरेट देम विद कोमा, ठीक है। तो आप लोग जितने मर्जी आर्गुमेंट्स लिख सकते हो। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है PHP के अंदर मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा फैमिली नेम, फैमिली नेम एक फंक्शन का नाम रखा, और उसके अंदर बेटा मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है एफ नेम, ठीक है, और इको कर दिया एफ नेम सिंह और br, br मींस नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फैमिली नेम इज इक्वल्स टू, मींस यहाँ पे मैंने कॉलिंग करी हुई है तीन डिफरेंट नाम के साथ। मैंने क्या करा है, फंक्शन को कॉल करा फैमिली नेम, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या था फैमिली नेम, और उसके अंदर पहला आर्गुमेंट पास करा संदीप। तो यहाँ पे आउटपुट क्या करेगा, जो इको के अंदर लिखा होगा, तो इको के अंदर क्या लिखा हुआ है एफ नेम सिंह, तो पहली आउटपुट क्या हो जाएगी आपकी संदीप सिंह। उसके बाद ब्रेक लगाया, सेकेंड आर्गुमेंट मैंने पास करा मनदीप, तो सेकेंड आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी मनदीप सिंह। फिर आपका ब्रेक आया और थर्ड आर्गुमेंट मैंने पास करा है दिलप्रीत सिंह। एम आई क्लियर? यहाँ पे बेटा एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आपको फंक्शन की कॉलिंग करनी है ना, तो वो फंक्शन की कॉलिंग फंक्शन वाली ब्रैकेट के बाहर होनी चाहिए, वो फंक्शन की कॉलिंग फंक्शन के अंदर ना हो, ये ध्यान में रखना है आपको। ये प्रोग्राम क्लियर हो गया सबको? इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जितने भी आपके आज प्रोग्राम्स करवाए मैंने आपको एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया, ठीक है। आने वाले थर्सडे को आपका लैब पार्ट लगा करेगा, उसके अंदर हम एग्जीक्यूशन करा करेंगे, ठीक है। ओके सर, जितना भी हमारा लैब वर्क हो गया था अप टिल कॉलेज दैट इज डन, उसके बाद हमारा जो पेंडिंग था वो हम थर्सडे वाले दिन किया करेंगे। ये प्रोग्राम क्लियर हो गया सबको कि फंक्शन के आर्गुमेंट कैसे पास किए जाते हैं? आगे चलें? यस सर। चलिए नेक्स्ट वी हैव। अब इस प्रोग्राम के अंदर बेटा आप लोग देख सकते थे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर लिया था, इसका नाम क्या था एफ नेम। आगे वाला जो प्रोग्राम है उसके अंदर बेटा मैंने दो पैरामीटर लिए हैं, एक एफ नेम और दूसरा ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी फंक्शन का नाम मैंने सेम रखा है फैमिली नेम, लेकिन इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास करे हैं, एक करा है एफ नेम और दूसरा करा है ईयर। और ये आउटपुट क्या करेगा, एफ नेम डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है एफ नेम स्पेस सिंह बोर्न इन ईयर सेकंड पैरामीटर। इसका मतलब क्या है कि जब आपने कॉलिंग करनी है फंक्शन की तो उसके अंदर बेटा आपको दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहला जो कॉलिंग करी है फैमिली नेम संदीप डबल कोट्स के अंदर लिखा कोमा 1975, इसका मतलब क्या है कि जब पहली कॉलिंग हुई तो पहला आंसर क्या आया, उसने इको करा संदीप सिंह डॉट बोर्न इन 1975। सिमिलरली फिर सेकंड नाम की कॉलिंग हुई, उसका नाम क्या था मनदीप सिंह बोर्न इन 1978। फिर थर्ड की कॉलिंग हुई, वहां पे क्या आ गया दिलप्रीत सिंह
born in 1983, यहाँ पे बेटा आपका जो सिंग है वो स्मॉल में आएगा, जो आउटपुट के अंदर कैपिटल में लिखा हुआ है ना, वो जो इको के अंदर लिखा हुआ है वो एस एच आएगा. क्लियर है? यस सर. ठीक है. सिमिलरली यू कैन पास एज मेनी एज आर्गुमेंट्स जिसकी आपको जितनी जरूरत है. ठीक है. सो नेक्स्ट आ जाता है PHP डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि जब आपने कॉलिंग के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है तो वो क्या करता है, जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो इसको उठा लेता है. ठीक है. द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू यूज अ डिफॉल्ट पैरामीटर. इफ वी कॉल द फंक्शन सेट हाइट विदाउट आर्गुमेंट्स इट टेक्स द डिफॉल्ट वैल्यू एज आर्गुमेंट्स. तो यहाँ पे बेटा आप लोग देख सकते हो सेट हाइट नाम का मेरा फंक्शन है और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर लिया है, एक आर्गुमेंट लिया है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 50, 50, और नीचे मैंने इको करा हुआ है द हाइट इज मिन हाइट. तो मिन हाइट क्या है, आपका पैरामीटर है. तो आप लोग देख सकते हो मैंने फंक्शन को 4 बार कॉल करा हुआ है. सेट हाइट पहली वैल्यू है 350, दूसरी वैल्यू मैंने कुछ नहीं दी हुई है, ब्लैंक छोड़ी हुई है, तीसरी वैल्यू क्या है 135, चौथी वैल्यू क्या है 80. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट है राइट हैंड साइड के ऊपर, वहां पे आपके पास 4 वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि आपका फंक्शन मैंने 4 दफा कॉल करा था. तो पहली वैल्यू के अंदर आपकी 350, जो आपने फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग के अंदर वैल्यू दी थी 350. सेकेंड फंक्शन कॉलिंग के अंदर मैंने वैल्यू कुछ नहीं दी थी, लेकिन वहां पे वो कौन सी वैल्यू उठा रहा है, जो आपकी डिफॉल्ट थी, जो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर करवाई थी, दैट इज 50. तो वो 50 वैल्यू को गेट कर रहा है. समझ आ गई ये वाला प्रोग्राम? बेटा डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. आ जाता है PHP functions returning values. तो यहाँ पे क्या है, टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज दी रिटर्न स्टेटमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज करोगे. तो यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, 2 नंबर का सम रिटर्न करवा रहा है. तो वहां पे हमने यूज करा है $x$y इन प्लेस ऑफ आर्गुमेंट्स. तो यहाँ पे मैंने सम नाम का फंक्शन लिया है जो कि मेरे को 2 नंबर का सम रिटर्न कर रहा है. और वो 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, एक x है, दूसरा है y है. फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखी है z के अंदर मैंने x और y का सम रिटर्न करा है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न z. ठीक है. तो ये चलेगा कैसे, इको करा इसको 5 + 10. तो ये 5 + 10 डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये एस एच आपका चलेगा. ये चलेगा कैसे, डोट सम 5, 10 मींस सम को इसने कॉल करा. ये जो सम है, ये सम जब आया वो इसके अंदर चला गया. पहली वैल्यू 5, एक्स के अंदर उसने 5 स्टोर करवा रहा, वाई के अंदर उसने 10 स्टोर करवाया. 5 + 10 कितना होता है 15. वो वैल्यू किसके अंदर गई, जेड के अंदर. उसने क्या करवा दिया, यहाँ पे रिटर्न करवा दिया z, दैट इज z के अंदर क्या आ गया 15. तो इको 5 + 10 इसके अंदर क्या आ गया आपका 15 आ गया. तो यू कैन सी दी फर्स्ट आंसर इज 15. सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू 7 + 13 इज इक्वल टू 20, 2 + 4 इज इक्वल टू 6. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज PHP एरेस. सो वट इज एन एरे, एरे क्या होता है. एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन 1 वैल्यू एट अ टाइम. ठीक है. सो इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, अ लिस्ट ऑफ कार नेम्स फॉर एग्जाम्पल, स्टोरिंग द कार्स इन अ सिंगल वेरिएबल कुड लुक लाइक. तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 कार्स हैं, तो मैंने एक एरे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया
ठीक है, जिसके अंदर वो 100 कार का नाम मैंने स्टोर करवाना है। उसको कैसे करवाऊंगा, पहले मैंने लिया डॉलर साइन कार्स वन इज इक्वल टू वोल्वो, कार्स टू इज इक्वल टू BMW, कार थ्री इज इक्वल टू टोयोटा, कार फोर इज इक्वल टू ह्यूंडई एंड सो ऑन, 100 नाम मैंने स्टोर करवा लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैंने एक वेरिएबल लिया है, मैंने 100 वेरिएबल्स नहीं लिए। एरे का मेन एडवांटेज क्या होता है कि आप लोग एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको 100 कार का नाम स्टोर करवाना था विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज, तो आपको वहां पे 100 वेरिएबल्स की जरूरत पड़नी थी। लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने, ये सेम काम कर लिया है विद द हेल्प ऑफ सिंगल वेरिएबल, एंड उस वेरिएबल को मैंने एरे वेरिएबल एज अ एरे वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। ठीक है, सो हाउएवर व्हाट इफ यू वांट टू लूप थ्रू द कार्ड्स एंड फाइंड अ स्पेसिफिक वन, एंड इफ यू हैड नॉट 3 कार्ड्स बट 300, ठीक है, द सॉल्यूशन इज टू क्रिएट एन एरे। तो एरे को यूज कैसे करते हैं इन PHP, द फंक्शन एरे फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन एरे। सो एरे एक फंक्शन है विच इज यूज टू क्रिएट एरे। सो PHP के अंदर बेटा 3 डिफरेंट तरीके के एरेज होते हैं। एक होता है इंडेक्स एरे, एरेज विद न्यूमेरिक इंडेक्स। एक होता है एसोसिएटिव एरेज, एरेज विद नेम्ड कीज। और तीसरा होता है मल्टी डिमेंशनल एरेज, एरेज कंटेनिंग वन और मोर एरेज। एक या एक से ज्यादा एरेज का कॉन्सेप्ट जब आप यूज करना चाहते हो तो तब हम लोग मल्टी डिमेंशनल एरेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो पहला हमारे पास आ जाता है इंडेक्स्ड एरेज। तो इंडेक्स्ड एरे के अंदर क्या होता है, द इंडेक्स्ड एरे द इंडेक्स कैन बी असाइंड ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप जो इंडेक्स्ड एरे का कॉन्सेप्ट है वो 2 तरीकों से यूज कर सकते हो। तो पहला तरीका क्या है, द इंडेक्स कैन बी असाइंड ऑटोमेटिकली। जो आपका इंडेक्स है वो हमेशा 0 से शुरू होगा एंड इट लुक्स लाइक दिस। तो जैसे यहाँ पे मैंने कार्स नाम का एक एरे बनाया है, तो उस एरे के अंदर एरे लिया और उसके अंदर आपने 3 वैल्यू स्टोर करवाई, वोल्वो BMW टायोटा। ठीक है, तो ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड क्या था, ये ऑटोमेटिकली ये एरे की 0 वाली जो वैल्यू है वो वोल्वो होगी, 1 वाली वैल्यू जो BMW होगी और 2 वाली जो वैल्यू है वो टायोटा होगी। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका क्या था, द इंडेक्स कैन असाइंड मैनुअली, कि कार्स की 0 वाली वैल्यू के ऊपर आपने वोल्वो रखी, 1 की वैल्यू के ऊपर आपने BMW रखी और 2 वाली वैल्यू के ऊपर आपने टायोटा रखी। ठीक है, तो ये आप 2 तरीकों के साथ इंडेक्स दे सकते हो। तो ये एग्जांपल है इसकी, द फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट्स एन इंडेक्स्ड एरे नेम्ड कार्ड्स असाइनिंग 3 एलिमेंट्स टू इट एंड देन प्रिंट्स द टेक्स्ट कंटेनिंग द एरे वैल्यूज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कार्स नाम का एक एरे वेरिएबल लिया है और उसके अंदर मैंने 3 वैल्यू स्टोर करवाई है। ये एरे बेटा जो वर्ड है ये फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इको करवाया है आई लाइक कार्स 0, मीन्स 0 के ऊपर क्या आएगा, वोल्वो, 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, BMW, और कार्स 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, टायोटा। ठीक है, तो आपकी आउटपुट क्या करेगा, आई लाइक वोल्वो BMW एंड टायोटा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट, इंडेक्स एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट आ जाता है गेट द लेंथ ऑफ एन एरे द काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन आपको क्या रिटर्न करवाता है कि आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मींस काउंट सिंपली देता है, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उसका इसने काउंट रिटर्न करवाना है। ठीक है, सो जैसे आप लोग देख सकते हो कि सेम एरे मैंने यूज करा है,
वोल्वो, बीएमडब्ल्यू और टोयोटा, इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तीन एलिमेंट्स हैं। तो ये इको आपको क्या करेगा, काउंट इज इक्वल टू थ्री, बस ये आपको एज अ आउटपुट डिक्लेयर करवा देगा। क्लियर है? यस सर। सो विद दिस योर टुडेज लेक्चर इज ओवर, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव लिसनिंग। और अपना बेटा ध्यान रखिए और घर पे रहिए, और अगर आपको किसी काम से बाहर जाना है तो ऑलवेज टेक अ मास्क एंड सैनिटाइजर अलोंग विद यू, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, बी सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.